पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा बाढ़ को देखते हुए नदियों के जलस्तर की मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा नदियों के जलस्तर की मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके लिए रेलवे के पुल पर सेंसर सिस्टम लगाया गया है, जिससे नदियों के जलस्तर की ऑटोमेटिक मैसेज प्राप्त हो जाता है, जिससे पता चल जाता है कि नदियों के जलस्तर की क्या स्थिति है। उन्होंने बताया कि जहाँ पर वाटर लेवल बढ़ रहा होता है, वहाँ पर वॉचमैन भी रखे जाते हैं और वहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग करके निगरानी की जाती है। यदि किसी तरह की समस्या हो तो रेलवे उससे निपट सके। उन्होंने बताया, मानसून के पहले से पूर्वोत्तर रेलवे की तैयारी रहती है, बोल्डर्स की स्टॉक करके रखा जाता है, जिससे कहीं आवश्यकता हो तो लगाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा, अभी जलस्तर की लगातार हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, उसके लिए जो पुल है रेलवे के उन पे एक सेंसर सिस्टम भी लगा रखा है, जो वाटर लेवल सुबह शाम दोनों टाइम ऑटोमेटेड मैसेज आते हैं, जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनको मैसेज चला जाता है, जिससे पता चलता है जलस्तर की क्या स्थिति है। इसके अतिरिक्त स्टेशनरी वॉचमैन भी रखे जाते हैं जहां वाटर लेवल बढ़ रहा होता है, और रेलवे में पहले से ही जो संवेदनशील पैचेज हैं उनको पेट्रोलिंग के लिए पेट्रोल मैन लगाए जाते हैं, जिससे अगर किसी प्रकार की समस्या होती हो तो रेलवे उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहती है। साथ ही साथ अगर कहीं ब्रीच या इस तरह की समस्या कहीं आती है तो उसको लेकर रेलवे मॉनसून के पहले से तैयारी करती है, जिसमें बोल्डर्स और सिंडर्स वगैरह भी स्टॉक करके रखा जाता है, उसको ग्राउंड पर भी स्टॉक करके स्टेशनों पर रखा जाता है, नॉमिनेटेड स्थलों पर, और वैगन्स में भी रखा जाता है, जिससे अगर कहीं अर्जेंसी पड़ती है तो उसको डायरेक्ट चलाकर वहां पहुंचाया जा सके। तो रेलवे मॉनसून के पहले से ही सभी तैयारियां पूरी कर लेता है और उसके अनुसार रेलवे पर कार्य किया जाता है।